हेलो, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइज, मैं बनाने जा रही हूँ सिंगाड़े के आटे की पकौड़ी। तो गाइज़, आप नवरात्र व्रत में इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो सच मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली हैं और आपका पेट भी भर जाएगा। तो सिंगाड़े का आटा ले लेंगे, समथिंग अवेलेबल जितना हो आप क्वांटिटी उस हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने गाइज 250 ग्राम लिया है। इसमें आलू को मैश कर देंगे। बॉयल किए हुए आलू इस तरीके से फोड़ देना है, बिल्कुल महीन। तो गाइज़, मैंने 250 ग्राम आटे में 6-7 बॉयल किए हुए आलू इस तरीके से हाथ से फोड़ लेंगे। तो इस तरीके से जब फोड़ लेंगे तो फोड़ने के बाद इसमें डालेंगे सेंधा नमक। तो गाइस, मैं व्रत के लिए बना रही हूँ तो इसमें सेंधा नमक अपनी क्वांटिटी से आप डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर इसमें डालेंगे और हरी मिर्च और धनिया पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे पानी और इस तरीके से इसे गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। तो घोल को ज़्यादा ना पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा करना है और इस तरीके से घोल को परफेक्टली तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसका बैटर थोड़ा सा पतला तैयार करेंगे। तो इसमें समथिंग मैं 1 गिलास पानी डाल दूंगी और घोल को थोड़ा सा पतला ही रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। और ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो आपकी पकौड़ी टाइट हो जाएंगी और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है। तो जैसा बेसन की पकौड़ी बनाते हैं इसी तरीके से इसका बैटर परफेक्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से आप गाइस देख सकते हैं, इसको मैंने घोल तैयार कर लिया है। तो 1 गिलास पूरा पानी इसमें पड़ गया है। तो इस तरीके से जब घोलेंगे तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और गैस को ऑन करेंगे हाई फ्लेम पर और टेम्परेचर परफेक्ट रखना है। तो इस तरीके से गैस जब गर्म हो जाएगा तो इसमें पकौड़ी डाल देंगे। तो पकौड़ी की क्वांटिटी इस तरीके से आप डालिएगा, चाहे तो छोटी या बड़ी, जो भी आप जैसा साइज़ लेना चाहें तो वैसा बना सकते हैं। तो इस तरीके से जब पकौड़ियाँ डालेंगे तो जितनी क्वांटिटी कढ़ाई में आए उसी हिसाब से डाल देना है। सो गाइस, पकौड़ियाँ मैंने जितनी अवेलेबल कढ़ाई में हैं उतनी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और ऐड करने के बाद इसको एक तरफ अच्छे से सिक जाए जब, तब इसको पलटना है, इसकी दिशा चेंज कर देनी है। फिर पकड़ इस तरीके से आप करछली से या कांटे से सारी पकौड़ियों को पलट दीजिए। तो लीजिए, मैंने इस तरीके से सारी पकौड़ियाँ धीरे धीरे पलटी हुई। जब नीचे अच्छे से सिक जाएगी तो तभी पलटिएगा, नहीं तो करछली में गीला बैटर लग जाएगा और चिपक जाएगी आपकी पकौड़ी। तो गैस, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने सारी पकौड़ियाँ पलट दी हैं। तो सो गैस, आप मेरी वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, तो इस तरीके से गैस अगर आप पकौड़ी बनाएंगे तो सच मानिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेंगी पकौड़ी। और आप इसको चटनी से खाइएगा, और चटनी व्रत वाली आप धनिया और खटाई, चाहे तो इमली का पानी हो तो इमली का पानी डाल दीजिए, और सेंधा नमक हरी मिर्च क्वांटिटी से, और इस तरीके से मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे तो चटनी परफेक्टली बनकर तैयार हो जाएगी। चाहे तो आप चटनी में मूंगफली के दाने भी पीस सकते हैं तो भी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चटनी की रेसिपी आप नेक्स्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, इस तरीके से चटनी बनाती हूँ। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा चैनल गाइस मोनेटाइज हो गया है। आप बताइएगा कमेंट में कैसे मैंने अपना चैनल मोनेटाइज किया है और कैसे मैंने अपने चैनल को, आप ही लोगों के आशीर्वाद से मेरा चैनल ग्रो किया है। तो गाइस, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और लीजिए, पकौड़ी बातों बातों में सिक कर तैयार हो गई हैं। तो इसको अब निकाल लेंगे और चटनी से खाइएगा, और इसमें आप व्रत में खाइएगा। सेंधा नमक की पकौड़ी है ये, सिंगाड़े के आटे और आलू की, और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बढ़िया टेस्टी बनेंगी। तो सारी पकौड़ियों को इस तरीके से निकाल लेंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार हो गई है पकौड़ी। तो मैंने सर्व कर लिया है। आपको पकौड़ी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इमली की चटनी मैंने बनाकर रखी है और हरी धनिया की चटनी, तो इसके साथ अगर खाइएगा और भोग लगाइएगा माता रानी को, और माता रानी भी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगी और आप सभी को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ये भोग बहुत ही पसंद है माता रानी को। और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है पकौड़ियाँ। तो इस तरीके से गाइस आप पकौड़ी बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।